गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम राजेंद्र रेड्डी सिंह फ्रॉम इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे टेस्टर जो हमारे पास रहते हैं, अगर वो कभी ख़राब हो गए तो उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, कैसे आप कर पाएंगे रिपेयरिंग। फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास ये दो दो टेस्टर है, एक टापरिया का है और एक नया है और एक जूना है। तो देखिए, पहले हम इसको चेक करके बताते हैं आपको सॉकेट के अंदर। ये देखिए, इस स्विच ऑन किए लगा, ये देखिए ओके। और ये सेकंड है, इसको भी लगा के देखते हैं, देखिए चल रहा है। अब फ्रेंड्स, अब हम आपको पूरा खोल के बताएंगे इसके अंदर क्या क्या होता है। ये देखिए, पहला ये इसका स्क्रू निकला बॉडी का, ये स्प्रिंग है और ये इसका क्लिप बोलते हैं इसको, पॉकेट क्लिप। और यहाँ पर एक लैंप है जिसको बोलते हैं नियॉन लैंप बोलते हैं, टेस्टर लैंप भी बोलते हैं। और ये जो इसके अंदर एक लगता है, और नीचे जो कार्बन वाला है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये तुम्हारा 1 मेगा ओम्स क्वार्टर वोल्ट में आता है रजिस्टर। ये वाला रजिस्टर जब यहाँ लगेगा, ये स्क्रू ड्राइवर के पॉइंट पर लगेगा, तो यहाँ से जब एसी सप्लाई इसमें जाता है, लैम्प के अंदर जाएगा, तो फिर ऊपर जब हमारे बॉडी का अर्थिंग लगेगा तो इसके अंदर से कैथोड जो है वाला ऑन हो जाता है, इसके वजह से ग्लू करता है। फ्रेंड्स, अब हम इसको वापस फिटिंग कर देते हैं। देखिए, ये सब इसके सामान, इतना ही सामान होते हैं टेस्टर के अंदर। देखिए, अब इसको फिर वापस फिटिंग कर देते हैं। ये कार्बन को इसी जगह लगा देंगे और इसको वापस ऐसे फिटिंग कर देंगे। ये स्प्रिंग इसके ऊपर आ जाता है, इसको धीरे से डाल देंगे इसके अंदर, और ये क्लिप जहाँ था वहीं पर वापस फिटिंग कर देंगे, और इसका स्क्रू वापस, ये स्क्रू जो इसका ऊपर लगा हुआ था वापस उसी को फिक्स कर देंगे। इसके अंदर थ्रेड आते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। अब फिट के जब हम इसको वापस चेक करेंगे, पहले चेक के वापस चेक करेंगे, ये देखिए स्विच ऑन करते हैं और ये चेक, ये देखिए वापस ऑन हो गया। मतलब इसमें चार पांच सामान ही रहते हैं और कुछ नहीं। और ये सेकंड वाला है, इसको भी खोल के देख लेते हैं। ये काफ़ी पुराना हो गया इसलिए थोड़ा रस्टी हो गया ये। ये देखिए, ये काफ़ी पुराना है फ्रेंड्स। अब इसको ठोक, ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर भी वही सेम है, एक नियॉन लैंप है और ये कार्बन का रजिस्टर है, 1 मेगा ओम्स का रजिस्टर आते हैं क्वार्टर वाट में। ये कार्बन होएगा तो भी टेस्टर हमारा ख़राब हो जाए, कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कभी टेस्टर ख़राब हो जाए तो इसको साफ़ कर लेना, वापस फिटिंग कर देना, तो टेस्टर हमारे ऑन हो जाते हैं, ये देखिए, ताकि हमारा कांटेक्ट बना रहे। और इसके अंदर रस्ट होगा तो थोड़ा सा इसको मट्टी निकाल दें। अब वापस इसी कार्बन रॉड को ऐसा रखेंगे, कार्बन रॉड को पहले डाल देते हैं, छोटे से होल रहता है, और फिर इसके ऊपर इसको डाल देंगे और स्प्रिंग और ये क्लिप लगा देंगे, और क्लिप के अंदर स्क्रू को फिटिंग कर लेंगे। ये इसका फिटिंग का स्क्रू है बॉडी का, और प्रेस करके इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम टाइट कर दिए। हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वापस ऑन हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल गई। अगर ये वीडियो को आप पूरी तरह पूरे देख लेंगे कंप्लीट, तो आप अपने घर का टेस्टर आसानी से कर पाएंगे रिपेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।